सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कूलर के जो मोटर है उसको कनेक्शन यानी वायरिंग कैसे आप कर सकते हो, कहाँ पे वायर, कौन सा वायर कहाँ पे लगाओगे। तो चले चले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका प्राइस बताए कि कहाँ पे वायर लगाना, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो दोस्तों, इसका प्राइस जो कि यहाँ पे मेंशन किया है जो कि 1300 रुपया, बट दोस्तों अब मैं यहाँ के अपने मार्केट के रेट जो बताता हूँ जो कि 1100 से 1200 में मिलता है हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों इसको मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, नया मोटर है जो कूलर का मोटर, आप तो फिटिंग तो कर सकते हो बट इसका वायरिंग आप कहाँ पे लगाओ ये आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं समझा दूंगा इजी प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है और इसके अंदर कितना वायर निकलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक नया कैपेसिटर मिलता है जो कि कूलर के मोटर में दोस्तों 4 MFD का कैपेसिटर लगता है। एंड उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो वायर है वो दोस्तों 4 वायर निकला है, किसी किसी मोटर में दोस्तों सिर्फ 2 वायर निकलता है, बट इसमें दोस्तों 4 वायर निकला है जो कि 3 स्पीड का मोटर है, यानी 3 स्पीड चलेगा ये वाला मोटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली लगाना है कौन सा। चलिए यहाँ पे दोस्तों एक निशान के टाइप का बना हुआ है, देखिए बीच में एक गार्ड बना हुआ है मेरे राइट साइड में जो कि 2 वायर है, ये दोनों का अगर लगाओगे तो आपका मोटर जो कि घूमेगा, और लेफ्ट साइड का वायर जो कि स्पीड कंट्रोल के लिए, जो कि दोस्तों यहाँ पे जो मेरे हाथ ब्लू कलर का ये दोस्तों कॉमन है, इसके साथ ब्लैक में लगाओगे घूमेगा एंड रेड में घूमेगा एंड व्हाइट में भी घूमेगा। ये दोस्तों स्पीड कंट्रोल के लिए 3 वायर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ब्लू एंड ब्लैक में लगाता हूँ, ये दोस्तों हमारा हाई स्पीड में मोटर घूमना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरे लिए सीरीज बोर्ड का वीडियो है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों हमने स्विच जो कि ऑन किया, हमारा मोटर जो कि घूम रहा है यहाँ पे देख सकते हो, यानी हमारा मोटर जो कि सही है। तो आपको अगर लगाना है तो चेकिंग के लिए मैं यहाँ पे लगाऊँ, आप चेक कर सकते हो ब्लू वाला वायर एंड ब्लैक वाला वायर, आप सीधे डायरेक्ट आप बोर्ड में लगाना तो आपका मोटर घूमना चाहिए, अगर घूम रहा है तो आपका मोटर सही है। तो देखते हो इस ये घूम के थोड़ा बोर्ड की तरफ आ गया, तो मैं सबसे इलेक्ट्रिसिटी को हटा लेता हूँ, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे इसका कनेक्शन आपको दिखाता हूँ, ब्लू वाला जो कि हमारा कॉमन है, ब्लू के साथ आप चाहे तो रेड को लगा सकते हो या फिर आप व्हाइट को भी लगा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इसका स्विच, अगर स्विच के थ्रू होगा तो आप कैसे वायरिंग करोगे। तो दोस्तों ये मेरे पास कूलर का स्विच है, ये दोस्तों लोकल कूलर का मोटर है, आपके पास अगर आपके घर में होगा 4000 के कूलर तो उसके अंदर इस टाइप का स्विच एंड इस टाइप का मोटर ही लगा हुआ रहता है। स्विच के अंदर दोस्तों आपको एक एल पॉइंट मिलता है एंड एक 2 3 लिखा हुआ रहता है स्विच के अंदर, वहाँ पर आपको कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है चलिए सबसे पहले ये बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा शायद एल, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा एल, वो 1 2 3 यहाँ पे आपको स्पीड कंट्रोल का वायर लगता है, आपको शायद दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, आपको शायद नहीं भी दिख रहा होगा, बट आप चाहे तो नया वाला टेस्ट करके देख तो वहाँ पे लिखा होगा ज़रूर L1 2 3। तो चलिए चलिए दोस्तों, सबसे जो आपका मेन जो सप्लाई का वायर है वो एक वायर आपको लगा एल वाला जो टर्मिनल है, एल वाला जो पॉइंट है वहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो सबसे पहले मैं ब्लू कलर जो कॉमन का वायर है, कॉमन का जो वायर है वहाँ पे दोस्तों आपको जो दूसरा जो सप्लाई का वायर है वहाँ पे आपको लगा देना है। यहाँ पे दोस्तों कोई फेस एंड न्यूट्रल का कोई सवाल नहीं है, आप कौन सा वायर कहीं पे भी लगा सकते हो, बट कलर थोड़ा आपको देख लेना है। अभी दोस्तों आपका ब्लैक कलर का वायर दोस्तों आपका आएगा 1 नंबर पर एंड जो व्हाइट कलर का आएगा दोस्तों 2 नंबर पर एंड रेड कलर का वायर 3 नंबर पिन पर। यहाँ पे दोस्तों टोटल 3 पिन बना हुआ है, तीनों में आपको लगाना है। अब कौन सा कहीं पे भी लगा सकता है आपका घूमेगा, बट जो 1 स्पीड है वो 2 स्पीड में घूमेगा, यानी हाई वाला ऑप्शन पे लो स्पीड वो लो ऑप्शन घूमता है। सो दोस्तों चलिए मैं इसको भी टेस्ट कर लेते हैं ये कैसे घूमता है या फिर स्विच की मदद से घूमता है या नहीं। चलिए सबसे पहले सीरीज में लगा दें जो कि दोस्तों हमारा लाइट जो कि जल रहा है, यानी हमारा मोटर वाइंडिंग सही है, मोटर ऑन कंडीशन पर है। चलिए डायरेक्ट लगा लेता हूँ, देखते हो दोस्तों हमारा मोटर जो कि अभी घूम रहा है, देखो हमारा जो कि वाइंडिंग है सब कुछ सही है, यानी मोटर जो कि हमारा घूम रहा है, ये नया मोटर है, वाइंडिंग तो सही रहेगा, बट आप चाहते हैं इससे इसका कनेक्शन आप देख सकते हो, इजी है दोस्तों इसका कनेक्शन करना। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली 1 2 3 यहाँ पे लगाना है और जो न्यूट्रल वाला वायर यहाँ पे आपको लगा लेना है कूलर जो कि घूमेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द इसी टाइप से वीडियो देखने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।